एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बताने वाली हूँ, और मेरा माथा देख के भी समझ में आ रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली छोटे माथे पे आपको कैसे हेयर स्टाइल करनी चाहिए। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो अक्सर कितने गर्ल्स का फोरहेड इस टाइप का होता है, जैसे कि मैंने अभी बनाया हुआ है, इस टाइप का फोरहेड्स होता है, तो उनको हेयर स्टाइल कैसे करना चाहिए। अक्सर आप लोग कन्फ्यूज रहते हो कि आप लोग का फोरहेड छोटा है तो आपको कैसे हेयर कट करना चाहिए। फर्स्ट चीज़, छोटे फोरहेड्स पे कभी भी शॉर्ट बैंग्स कट नहीं करानी चाहिए। आप लॉन्ग बैंग्स रख सकते हो, मेरी मानो तो आप बैंग्स कट मत ही कराओ छोटे फोरहेड्स के लिए। ओके, और सेकेंड चीज़, कभी भी आपको इस तरीके से बालों को ऐसे लटका के ऐसे करके ऐसे आपको कोई भी स्टाइल नहीं बनानी है। आपको हमेशा ऐसे बनाना है ऊपर की तरफ से बाल करके, और हमेशा पफ वाला लुक बनाना है। कभी भी शॉर्ट फोरहेड्स पे बैंग्स आपको फ्रंट साइड पे लाने ही नहीं है। जैसे आपका शॉर्ट फोरहेड है तो आपको इस तरीके से हेयर स्टाइल कभी नहीं बनानी है। आपको हमेशा इस तरीके से हेयर स्टाइल बनानी है, ऐसे चिपका के बना सकते हो, जैसे थोड़ा सा पफ वगैरह बना सकते हो। तो दो तीन हेयर स्टाइल, मतलब चार पांच भी हो सकती हैं। तो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को छोटे फोरहेड्स के लिए हेयर स्टाइल। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल है शॉर्ट फोरहेड्स के लिए, आपको करना है यहाँ से पूरे हेयर्स को ले लेना है। मेरा फोरहेड्स तो ठीक ठाक है, मीडियम में है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, बट मैं अभी छोटे फोरहेड्स के लिए बना रही हूँ। तो आपको इस तरीके से बनाना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है, ज़्यादा बड़ा पफ भी नहीं बनाना है, इतना बस, इतना आपके लिए काफ़ी है शॉर्ट फोरहेड्स के लिए। अगर आपको लेस निकालनी है, जिसका छोटा माथा हो उसको, अगर आपको लेयर्स निकालनी है तो आप साइड से निकालो, ये वाली जगह से कभी भी आपको लेयर्स नहीं निकालना। ओके, और लॉन्ग में निकालो, शॉर्ट में भी नहीं निकालना है। तो इस तरीके से आप, पहला हेयर स्टाइल होगा ये शॉर्ट फोरहेड के लिए, मतलब छोटे माथे के लिए। सेकंड में आपको क्या करना है, ये पहला हेयर स्टाइल हो गया शॉर्ट फोरहेड पे, आप बीच की मांग निकाल सकते हो। बीच की मांग छोटे माथे वालों के लिए काफ़ी अच्छी, अच्छा लुक देता है। और उसके साथ अगर पार्टी वार्टी है तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। यहाँ से ऐसे लेके जाओ, यहाँ पे इसको क्लिप कर दो, फिर सेकेंड लेयर लो, यहाँ पे क्लिप कर दो। थर्ड लेयर लीजिए, एंड फोर्थ। इसी तरीके से सेम आपको इस साइड भी करना है। हल्की हल्की सारी लेयर्स को खींच दीजिए तो हल्का सा पफ का भी लुक आ जाएगा। तो ये है छोटे फोरहेड के लिए सेकेंड हेयर स्टाइल, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपका फोरहेड भी थोड़ा बड़ा दिखेगा और स्टाइलिश भी लगेगा। तो आप ये सेकेंड हेयर स्टाइल कर सकते हो छोटे माथे के लिए। ओके, तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल बताते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल भी आप बीच मांग से करोगे, सिंपली आपको ऐसे लेके जाना है और इस टाइप का हेयर स्टाइल आपको बनाना है। ओके, टिकटक क्लिप या फिर यू क्लिप से आप इसको सेट कर दो।
सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। क्लिप से इसको भी सेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड हेयर स्टाइल शॉर्ट फोरहेड के लिए। सारी हेयर स्टाइल में ये ध्यान दीजिए कि माथे पे मैं कोई हेयर नहीं निकाल रही। अगर आपको लेयर्स निकालनी भी है तो आप इस साइड से निकालोगे, ईयर के पास से। इस एरिया में आपको थोड़े से भी हेयर नहीं निकालने हैं छोटे माथे के लिए। ओके, तो चलिए फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। फोर्थ हेयर स्टाइल में शॉर्ट फॉरहेड के लिए आपको यहाँ से थोड़े से हेयर लेने हैं। ओके, देन इसमें एक लाइन सी क्रिएट कर लेनी है सारे बालों में, मतलब मैसी सा लुक दे देना है। लाइन सी तो आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपके पास स्प्रे हो। ओके, अब इसको क्लिप कर देना। लाइन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यू पिन लेना है और ऐसे जो आप लाइन बना रहे हो उस पर यू पिन को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए खड़ा करके और स्प्रे मार दोगे तो आपकी लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी और बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये भी मेरे बालों पे अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास स्प्रे है नहीं। तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे मैसी सा लुक दे दिया बालों को। अभी साइड से आपको लेना है थोड़े से हेयर, देन ट्विस्ट करना है। हल्का हल्का इसको खींच लेना है। ले जाके जहाँ पे आपने क्लिप लगाया है वहाँ पे इसको सेट कर देना है। फिर से आपको लेयर लेनी है, डबल ट्विस्टिंग करना है, थोड़ा ट्विस्ट करना है अराउंड अराउंड एक दूसरे के ऊपर इसको। इसको भी वहीं पे लेके जाना है, ऐसे क्लिप कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर देना है। तो चौड़े शॉर्ट फॉरहेड्स के लिए छोटे माथे के लिए ये चौथा हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए पांचवें हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। पांचवा हेयर स्टाइल में साइड पार्टिंग से करूंगी। आपको लेना है थोड़ा सा हेयर, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको और बनानी है आपको उल्टी चोटी, मतलब ऐसे उल्टी तरफ से। इस तरीके से आपको नीचे की तरफ से लेयर को मिलाते जाना है हेयर में ब्राइड में। थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेना है जो आपने ब्राइड बनाई है।
इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है। बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल। सेकंड साइड से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इतने हेयर लेने हैं, इसको भी उल्टी चोटी बनानी है यहाँ से। को भी साथ साथ ही खींचते जाना है। इस टाइप से ये हमारे 5 हेयर स्टाइल शॉर्ट 48 के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस को जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोग के लिए सबसे पहले मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट कर दीजिए। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।